सही दिशा के अभाव में कई युवा वर्ग भ्रमित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र को भी निराश करता है। ऐसे युवा वर्ग को समय रहते जीवन में सही दिशा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र की मजबूती में अपना योगदान देना चाहिए। ये बात प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने हमीरपुर में आयोजित फिट यूथ हिट यूथ अभियान में बतौर मुख्य अतिथि कही। फिट यूथ हिट यूथ अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई प्रतिष्ठित कोचों समेत लगभग 200 युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अभियान के दौरान प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि आए दिन ड्रग्स के साथ युवाओं के पकड़े जाने की प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली खबरें समाज और राष्ट्र के लिए खतरे की घंटी हैं और ऐसे में जिम्मेवार युवाओं को आगे आकर राष्ट्रहित में जुटना होगा और नशे के खिलाफ अलख जगाना होगा ताकि अगली पीढ़ी को नशे रूपी दानव से बचाया जा सके और राष्ट्रहित में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा खेलो इंडिया और सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू किए गए सांसद खेल महाकुंभ का जिक्र करते हुए युवाओं से इन अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का आह्वान भी किया। उन्होंने इस तरह के अभियानों को युवाओं के लिए श्रेष्ठ मंच बताया। यहाँ एक दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का जहाँ मूल उद्देश्य एक तरफ सेना में भर्ती हेतु तैयारी कर रहे नौजवानों को एक मंच प्रदान करना था, वहीं उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना था कि ये नौजवान सेना में भर्ती के साथ साथ इस बात को सुनिश्चित करें कि आज की युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। जिस तरह का प्रचलन, जिस तरह की घटनाएं आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलती हैं कि किस तरह राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे युवाओं को भ्रमित करने के लिए, हमारी युवा शक्ति को क्षीण करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, तो ऐसे में सामाजिक संस्थाओं, खेल संघों, खेल संगठनों का भी ये दायित्व है कि वो उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को की कोशिशों को नाकाम करने के लिए इस तरह का। इस मौके पर फिट यूथ हिट यूथ अभियान में प्रतिभागी युवा खिलाड़ियों ने नशे से दूर रहने और अपने साथियों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लिया। आज मैंने फिट यूथ में पहला स्थान हासिल किया और मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने भाई लोगों को सबके संदेश देना चाहूँगा नशे से दूर रहे और मैं भी आज यहाँ से प्रण लेके जा रहा हूँ कि ना कभी नशा करूँगा और ना किसी को करने दूँगा। मैंने फिट यूथ रेस में भाग लिया और मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ से प्रण लेता हूँ कि मैं नशा नहीं करूँगा और अपने साथियों को भी नशा करने नहीं दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।